हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसीडर द सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन। a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डैश 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 an xn इक्वल टू k1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डैश डैश प्लस a2n xn इक्वल टू k2 डैश 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 am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डैश डैश amn xn इक्वल टू km। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, कंटेनिंग द n अननोन्स। x1 x2 xn, ओके, टू डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन 1 आर कंसिस्टेंट, that is passes a solution or not। we consider the rank of matrix। okay, ye hamare paas given इक्वेशन होंगे, कंसीडर एम लीनियर इक्वेशंस है, इसमें कंटेन करते हैं एन अननोन्स x1 to xn। यहाँ पर हम डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो इक्वेशन है वो कंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन हम लोग रैंक देखेंगे कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन जो इक्वेशंस है, उसमें से हम लोग ए बनाएंगे। तो हमारा ए किस टाइप से बनेगा, यहाँ पर जैसे दिया है कोफिशियंट x1 x2 xn के कोफिशियंट से हमारा a बनेगा। तो क्या क्या है, a11 a12 a1n a1n a21 a22 a2n, ये आपका a बन जाएगा। a11 a12 a1n a21 a22 a2n, ये आपका हो जाएगा am1 am2 amn, ये आपका a हो जाएगा। एंड k क्या हो जाएगा आपका, k में आपका a और ये आपका ये राइट हैंड साइड पार्ट, दोनों कंबाइन करके आपका k बन जाएगा। ओके, तो आपका k क्या हो जाएगा, k इक्वल टू a11 a12 डैश डैश a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn, और यहाँ पर आपका k1 k2 और ये हो जाएगा km, ये आपका, और इसको आप ऐसे डॉट डॉट बना के ताकि ये आपका k, दिस इज अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। K इज अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और A इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, दिस इज अ A इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और K इज अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। ओके नाउ हम देखते हैं प्रोसीजर टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एन अननोन्स के लिए। इसमें क्या रहता है, इसके स्टेप्स कैसे जाते हैं, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट मींस ए, अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाय रिड्यूसिंग ए टू द अपर ट्रायंगुलर फ्रॉम बाय अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एक ये आपका मेथड है जो कंसिस्टेंसी का, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, बहुत ध्यान रखना है इस मेथड को। इसका फर्स्ट क्या है, इफ रैंक के लिए क्या रहता है, रो ए इक्वल टू रो के इक्वल टू एन। इस केस में क्या होता है, द इक्वेशन इज consistent and have unique solution, second क्या है, if rho a equal to rho k less than n, उस केस में क्या होता है, the equation is consistent and have infinite solution, ध्यान रखना है infinite solution। next case क्या होता है, if rho a not equal to rho k then क्या होता है, the equation is inconsistent and have no solution। okay first case क्या है, rank both are rank are equal और n, and that means जो given matrix होगा वो आपका n order का होगा, उस case में equation consist करेगा और unique solution होंगे। if rho a equal to rho k but less than n, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ये रैंक जो होगा वो n से कम होगा, दैट मीन्स इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब रैंक दोनों का डिफरेंट है, रो एक नॉट इक्वल टू रो के, देन इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, हैव नो सॉल्यूशन। ओके अब हम कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू टेन, एक्स प्लस टू वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू हैव फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, थर्ड नो सॉल्यूशन। तो गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू टेन, x प्लस टू वाई प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन लेंगे, द मैट्रिक इक्वेशन x, मैट्रिक्स इक्वेशन इज क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इक्वल टू अननोन वेरिएबल्स,
एंड बी इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू रहती है वो आ जाता है। ओके तो एक्स हो जाएगा एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा 6 10 एंड म्यू। अब इसमें हम लोग ऑपरेशन ऐसे अप्लाई करेंगे कि ये आपके ये तीनों एलिमेंट को जीरो बनाना है, हमें मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग इसकी हेल्प लेंगे, आर वन की हेल्प ले सकते हैं इसको जीरो करने के लिए, इसको जीरो करने के लिए आर टू की हेल्प ले सकते हैं। तो आर टू टेंस टू आर टू माइनस आर वन, आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये एक्स वाई जेड। अब देखो ये वन रो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, नो चेंज, 1 1 1 यहाँ पर 6 भी एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा, लैम्डा माइनस 3 ये हो जाएगा आपका, 10 माइनस 6 दैट मीन्स 4 हो जाएगा, और म्यू माइनस 10 हो जाएगा। ओके अभी आपका अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसके केसेस अप्लाई करेंगे। केस फर्स्ट क्या हो सकता है पॉसिबल, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10। उस केस में क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 करो तो ये जीरो बन जाएगा, तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए दैट मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक, ये जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये पूरा जीरो हो गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2। म्यू इक्वल टू 10 करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और लैम्डा इक्वल टू 3 में ये भी जीरो, इन ऑल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये तीनों पूरा का पूरा रो जीरो हो जाएगा। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट मीन्स रो ऑफ के इक्वल टू, रैंक इसका भी कितना होगा, 2, नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, और एन कितना है आपका यहाँ पर, 3 ऑर्डर का है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ के इक्वल टू कितना है, 2, लेस देन 3। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो गई आपकी, हैंस द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव इन फाइनाइट सॉल्यूशन, अब केस टू देखते हैं। केस टू की केस में क्या हो जाएगा, व्हेन लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, उस केस में क्या होगा, ये हम नॉट इक्वल टू 3 होगा तो यहां पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मतलब ये भी इसमें भी एलिमेंट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी कुछ रहेगा, मतलब कि ऑल रोज जो होंगे वो कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। अब रैंक ऑफ के कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू केस में यहाँ पर भी कुछ रहेगा और यहाँ पर भी कोई वैल्यू आएगी, दैट मीन्स रैंक ऑफ के इज ऑल्सो 3, और ऑर्डर कितना है ऑलरेडी आपका, 3, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ के इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कैसा होगा इक्वेशन आपका, कंसिस्टेंट होगा, हेंस द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, अब हम केस थर्ड देखते हैं, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, उस केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए, यहाँ लैम्डा इक्वल टू 3 है तो ये जीरो हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए कितनी देगी, 2, नंबर ऑफ नॉन जीरोस 2 हो जाएंगे, और म्यू नॉट इक्वल टू 10 है, उस केस में यहाँ कुछ वैल्यू आएगी तो रैंक ऑफ ए कितनी जाएगी, 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ के, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, हैंस द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट।
एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन।